हाँ जी, बेटा इन दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर टू यू. रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट गवर्न्स. वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन शुड बी मेंटेन. हमने ये किया था. साउथ अफ्रीका पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. हमने साउथ अफ्रीका का पार्ट किया. उसके बाद फिर हमने किया विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. ये किया हमने डेट वाइज किया था. मैं फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स लिख रही हूँ ताकि आपको डेट्स की इंपॉर्टेंस और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो 1928 से स्टार्ट करना है. 1930, 1931, 1935 और 1937 ये इंपॉर्टेंट ईयर है. ऐसे याद रखो. अब इन ईयर्स की इंपॉर्टेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. 1920 ये हमने बताना है कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी, यानी कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950. उससे पहले बना कब. 26 नवंबर 1949. लेकिन क्या 1949 और असेंबली कब बनी. 1946 में असेंबली कब बनी. 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनी 1946. क्या 1946 से पहले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज थी. ठीक है. यस, हमने बताना है हाउ विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड. कौन से फैक्टर्स थे. 1928 क्यों इंपॉर्टेंट ईयर है. बिकॉज इन दिस ईयर मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड. ड्राफ्टेड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी उन्होंने. ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन विद 8 other members. 8 और members थे उनके साथ. कौन सी पार्टी. आईएनसी, इंडिया नेशनल कांग्रेस. इसके इसका मतलब क्या है कि 1928 से ही हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इसकी डिमांड जो है वो शुरू हो गई थी. लेकिन इन बिटवीन ब्रिटिशर्स ने उनकी डिमांड को नहीं माना. तो 1930 में मिस्टर मोतीलाल नेहरू के जो सन पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया. कौन सा स्लोगन पास किया. कंप्लीट इंडिपेंडेंस. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. 30 की बात कर रही हूँ मैं, 1930. उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देंगे तो हम अपने लिए खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड वी विल डिक्लेयर आवर सेल्फ इंडिपेंडेंस. ठीक है. और पूर्ण स्वराज का जो है वो स्लोगन लिया. और उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए हर एफर्ट्स करेंगे. डू और डाई. ठीक है. 1931 इसी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को आगे पूरा करने के लिए कराची में सेशन हुआ. इंडिया नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ जहां पे फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी गई. और अब आप ये सोचो कि 1928 से लेकर इतना लंबा टाइम पीरियड जब लोगों की डिमांड हुई तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को इंडियंस की डिमांड को जो है वो मानना पड़ा. और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, जिसमें इंडियंस को कुछ ऑटोनोमस पावर दे दी. इन सब में से आपने कौन सी याद रखनी है. दैट इंडियंस दे वर गिवन राइट टू वोट फॉर किसके लिए. प्रोविंस. प्रोविंस का मतलब होता है लोकल एरियाज. पूरी कंट्री के लिए नहीं, प्रोविंस का मतलब होता है लोकल एरियाज. यानी कि इंडियंस दे वर गिवन राइट टू वोट टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड राइट टू वोटर्स. और 1935 में एक्ट पास हुआ और करते करते अल्टीमेटली इलेक्शन कब करवाए गए कंट्री में. 1937. ठीक है. प्रोविंशियल प्रोविंशियल इलेक्शन हुए. और इस 1937 ईयर के बाद 1937 से 1946 तक इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज मिली. उन्होंने ब्रिटिशर्स को कॉपी किया कि वो कैसे लॉ पास करते हैं, कैसे वोटिंग करते हैं, कैसे डिबेट करते हैं, कैसे डिस्कशन करते हैं.
और इन्होंने लॉ बनाने का प्रोसीजर अल्टीमेटली किनसे सीखा? ब्रिटिशर्स। तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस देकर चले गए, जब हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एट दैट टाइम इंडियंस वर ऑलरेडी फेमिलियर, उनको पता था कि लॉ मेकिंग का प्रोसेस कैसे हो, इसलिए उनको ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और उन्होंने कुछ 1935 के बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो किए इंडिपेंडेंस के बाद, जो हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना। स्टिल आज भी वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आज भी हम कई एक्ट्स ऐसे हैं जो 1935 के एक्ट्स के अकॉर्डिंग हम उनको फॉलो करते हैं, क्लियर? क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं जैसे इलेक्शंस कैसे करवाए जाएंगे, या प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होना चाहिए, या इंडियंस को कैसे राइट टू वोट देना है, या इलेक्शंस लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो 1935 के फॉलो किए जाए, क्लियर? तो ये आपने वन मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईयर याद रखें। अच्छा, और कौन कौन से रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था इनके ऊपर? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर इन रेवोल्यूशन का भी इंपैक्ट था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस कंट्री में लोग अगर रिवोल्ट करते हैं तो उनकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं। तो इस तरह से उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उनके रेवोल्यूशन को भी प्रॉपर स्टडी किया। देन फिर इसके बाद है प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए क्या प्रॉब्लम्स आई मेकर्स को? ये तो थे फैक्टर्स, अब हमने मेन बताना जिस टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस टाइम क्या प्रॉब्लम्स है। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आई? पार्टीशन, प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन। असेंबली बनी 1946 में, ठीक है, एंड इन बिटवीन पार्टीशन हो गया कंट्री का, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी मुस्लिम्स दे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, एंड मैनी हिंदू फैमिलीज केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। Now the problem was how to settle, rehabilitate. Rehabilitate का मतलब होता है जो लोग वहां से आए हैं उनको यहाँ पर कैसे लैंड दें, कैसे उनको एक्ट दें, कैसे उनको सिटीजन बनाया जाए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सपोज ये सोचो कि कितने लाख पीपल हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए होंगे, उनको पहले शरणार्थी कैंप में रखा जाता था, कैंप्स के बाद उनको अलग अलग एरियाज अलॉट किए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को आई। आपने ना एक मूवी है, पंजाबी मूवी है लाहौरी, है ना, लाहौरी मूवी है, उसमें एक ऐसी स्टोरी है कि दिखाया गया कि पार्टीशन के टाइम एक फैमिली पाकिस्तान से इंडिया आई और यहाँ पर आकर उनको लैंड तो मिल गई लेकिन उनको हमेशा क्या कहते थे, लाहौरी ही कहते थे, मतलब उनकी आइडेंटिटी पाकिस्तान से ही जानी जाती है। मतलब ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया गया है कि कैसे कोई फैमिलीज अगर पाकिस्तान से आई थी तो यहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। उनको बॉर्डर एरियाज के पास गवर्नमेंट ने लैंड दी और उन बॉर्डर एरियाज में वो एग्रीकल्चर करने के लिए जाते थे, मतलब इस तरह की स्टोरी है। तो ये भी रियल उस टाइम पर में ऐसा होता था, जब बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया आए तो उनको गवर्नमेंट पहले कैंप्स में, रिहैबिलिटेशन कैंप में उनको ठहराया जाता था और उसके बाद लैंड दी जाती। लेकिन ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनके लिए प्रॉपर लैंड एक्ट बनना था। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? पॉवर्टी। एट दैट टाइम इंडिया वॉज अ न्यूली डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल वर वेरी पुअर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सेटल। थर्ड प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग पुअर थे बिकॉज दे वर अनएम्प्लॉयड, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, एंड गवर्नमेंट भी नई नई गवर्नमेंट थी तो कोई फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं थे ना पैसे थे। तो आप सोचो कि एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए नई कंट्री को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। और मेकर्स के सामने कितनी प्रॉब्लम आ गई कि क्या किस तरह से लॉ बनाया जाए कि सभी इंडियंस को सेटिस्फाई किया जाए। इससे ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम क्या थी? सेवरल रिलीजियस एंड कम्युनिटीज वर लिविंग इन इंडिया, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वर देयर, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज और लैंग्वेज के भी आगे सब पार्ट्स, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस, क्योंकि साउथ इंडिया, आधा साउथ इंडिया ऐसा है जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, तो अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देते तो अल्टीमेटली साउथ इंडियंस को प्रॉब्लम आती। तो क्या एक लैंग्वेज रखते हैं, कितनी लैंग्वेजेस रखें, ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने आई। देन और क्या प्रॉब्लम आई? रिलीजियस, कौन सा रिलीजन, स्टेट रिलीजन रखें, कंट्री को सेकुलर बनाए ताकि हर रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो इंडिया में बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कम्युनल राइट्स के रह सके, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स, सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो और ज्यादा मेकर्स के सामने थे, प्रिंसली स्टेट्स।
More than 400 independent small kingdoms were there. When Britishers left us, Indians जो थे, ठीक है, इंडिया तो था ही, लेकिन इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे डायनेस्टीज किंग्स थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के किंग थे, है ना, तो ऐसे बहुत सी डायनेस्टीज थी जो ना इंडिया का पार्ट ना ही पाकिस्तान में जाना चाहती थी. तो कैसे उनको कन्विंस किया कि वो इंडिया का पार्ट बने, इंडियन आर्मी उनको सिक्योर करेगी, सेफ करेगी, जब भी उनके ऊपर कोई अटैक होगा तो इंडियन आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी, और इस तरह से धीरे 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 इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाया. कुछ कंडीशंस उनकी मानेंगे, कुछ कंडीशंस इंडिया ने रखी, ठीक है. तो ये मेन प्रॉब्लम थी मेकर्स के सामने. ये आपका बेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन था कि विच आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. वन मार्क के लिए आपको सभी टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब हम असेंबली की बात करेंगे कि असेंबली के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आता राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. लेकिन वन मार्क के अकॉर्डिंग आपने इसके असेंबली के इंपॉर्टेंट पहले तो मेंबर्स याद रखने हैं. मेंबर्स कौन थे, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में. मैं सिर्फ मेंबर्स के नेम लिखूंगी, आपने मुझे बताना है इनके बारे में, ठीक है. How he was related to Constituent Assembly? President of Constituent Assembly. साथ ही कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि हमारी कंट्री की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उनके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इस असेंबली को अलग अलग कमेटीज में डिवाइड किया गया था. कुछ कमेटीज जो है अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दे दिए गए, क्योंकि हर लॉ जो है वो हर पर्सन नहीं बना सकता. तो टोटल मेंबर्स कितने थे? 299. अगेन आई एम राइटिंग हियर, 299 मेंबर्स वर देयर, ठीक है. एंड ऑल दीज मेंबर्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कमेटीज. इनमें से एक कमेटी, जिस कमेटी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में लिखना था, लिखेंगे तो ही प्रिंट करेंगे ना पहले, ठीक है. एंड इनको, इसको कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी. और इनके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. And he is also regarded as the father of Indian constitution, father of nation है महात्मा गांधी, father of Indian constitution, Dr. B. R. अम्बेडकर, father of Indian constitution, Dr. B. R. अम्बेडकर, chairman of drafting committee, ठीक है, drafting committee के chairman. इनके साथ कुछ members थे जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में तैयार किया. कितना मुश्किल होगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉर्म में, उसके बाद उसको प्रिंट किया गया, ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था न्यूज़पेपर, आपके घरों में जो न्यूज़पेपर आता है वो कॉपीज होती है. एक बार आपकी कॉपी बन गई तो उसकी, अब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, ये जितनी भी टेक्स्ट बुक है ये एक प्रिंटेड कॉपीज है. लेकिन जब पहली इसकी सबसे पहली टेक्स्ट बुक बनी होगी तो उसको सारा रिटर्न फॉर्म में किसी ने तो लिखा होगा ना, बाद में उसको कंपाइल किया. और उसके बाद आज के टाइम में तो चलो कंप्यूटराइज टाइपिंग हो जाती है, लेकिन उस टाइम पीरियड में तो टाइपिंग नहीं थी. उस टाइम पीरियड में सारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में लिखा और उसके बाद उसको टाइप और प्रिंट किया गया. कंप्यूटर तो थे नहीं उस टाइम, ठीक है. सो चेयरमैन, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है. आगे इसके बाद जब ये असेंबली, यानी कि 1946 से लेकर, इम्पोर्टेंट ये डेट है 1949, आप ये देखो 46 से लेकर 47, 47 से 48, 48 से 49, कितना टाइम पीरियड लगा. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में से 114 डेज इन कमेटीज के मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज में गए, उन कंट्रीज में रहे, वहां पर जाकर उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, उनकी गवर्नमेंट को स्टडी किया. एंड आफ्टर
स्टार्टिंग ऑल दैट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट केम बैक इन आवर कंट्री, फिर से इकट्ठे हुए, मीटिंग्स हुई एंड अपनी अपनी कंट्री से जो अपनी अपनी कंट्री के रिगार्डिंग जो उनको बेस्ट लगा उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन किया गया। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, बैग ऑफ बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब होता है कि हमने बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो दूसरी कंट्री से लिए हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जैसे प्रियम्बल, हमारी कंट्री का प्रियम्बल जो है हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले प्रियम्बल है तो हमने भी अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल वहां से लिया। ठीक है, एमरजेंसी पावर्स जर्मनी से ली, हाँ एमरजेंसी पावर्स, प्रेसिडेंट की एमरजेंसी पावर्स की वो एमरजेंसी लगा सकता है वो हमने जर्मनी से लिया। जर्मनी में आपको याद होगा कि जर्मनी में वाइमर गवर्नमेंट जो थी वो एमरजेंसी लगाकर लोगों के राइट सस्पेंड कर देते, तो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टेकन। पार्लियामेंट्री हमने लिया ब्रिटेन से, जहाँ पे ब्रिटेन के भी टू हाउस हैं, यूएसए के भी टू हाउस हैं, हमारी कंट्री के भी टू हाउस हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टेकन मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इसलिए इसको बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग्स। 114 डेज रहने के बाद जब ये मेकर्स अपनी कंट्री में वापस आए, बच्चे आज भी नेट में आप सर्च कर सकते हो रियल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि जिस टाइम पर उन्होंने कोई भी लॉ, अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन जो है वो ऐड करने का डिसाइड किया होगा तो उसके पीछे कुछ लोगों ने अपोज भी किया, कुछ ने फेवर भी किया, एंड ये सारे वॉल्यूम्स रिटन फॉर्म में भी हैं एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, क्योंकि मेकर्स को अच्छी तरह से पता था कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर चले जाएंगे, आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इन रिकॉर्डिंग्स को बहुत ध्यान से संभाल के रखा गया है। आज भी आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हो और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड किए उसके पीछे क्या रीजन होंगे उनको हम जान सकते हैं। ये अच्छी तरह से कौन डिटेल से स्टडी करते हैं, लॉयर्स जो लॉ पढ़ते हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेटली, सपोज अगर आप लॉ करना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा जो लॉयर्स होते हैं उनको सारे आर्टिकल्स याद होते हैं। जब भी आपने कोई भी मूवी में सीन देखते हो, सीरियल में सीन देखते हो, जजेस बैठते हैं, लॉयर्स सामने होते हैं, डिबेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस, इसका मतलब क्या है कि उनको पता होता है कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल है तो किस आर्टिकल के अंडर उसको कौन सी पनिशमेंट मिले। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, डिफेंस लॉयर होगा, वो अपनी तरफ से सेव करेंगे, दूसरा जो है उसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में है। तो लॉयर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो लॉयर के ऑफिस होते हैं, ऑफिस में क्या होता है, उनके ऑफिस में क्या होता है, डिग्री तो होती है, साथ में क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम्स की अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग बुक्स। सपोज अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स, सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, मीन्स उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की हर जो है वो कॉपी की बुक्स होती है, शॉर्ट फॉर्म में बुक्स होती हैं, और वो उनको उनका एक प्रॉपर एक स्टडी रूम होता है जिसमें वो सारा अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, आजकल तो चलो ठीक है, आप नेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो लॉयर्स हैं उनके ऑफिस में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शन की बुक्स होती है जो उनको रीड करनी पड़ती है। आगे लॉयर्स के भी अलग अलग जो है वो फील्ड होती है, कुछ सिविल लॉ जो के लिए एक्सपर्ट होते हैं, कुछ क्रिमिनल, सिविल लॉ जो है जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता वो उसको रीड करेंगे, क्रिमिनल के लिए वो क्रिमिनल केसेस को रीड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आगे लॉयर यानी कि कौन सी उसमें जाना चाहते हैं। कई इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री एक्ट्स होते हैं उसमें एक्सपर्ट होते हैं, है ना, तो हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। तो ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना, अल्टीमेटली सभी लोग डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जजेस, लॉयर्स या जो लॉ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो स्पेशली जो हैं वो लॉज के लिए उनका डिपार्टमेंट ये होता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है और आर्टिकल्स को माइंड में रखना पड़ता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने कुछ मेंबर्स के नाम बताने हैं जिनका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है। नंबर वन, महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन 299 में से महात्मा गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, बट स्टिल उनका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर था।
1931 में महात्मा गांधी जी ने एक बुक लिखी थी यंग इंडिया, जिसमें उन्होंने कहा था मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। यंग इंडिया 1931, मेरे सपनों का भारत, ठीक है। और यंग इंडिया मतलब फ्यूचर कैसा होगा, यंग जनरेशन को कैसे होना चाहिए, इंडिया में क्या होगा, क्या हो सकता है। ड्रीम्स ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन इंक्लूडेड इन यंग इंडिया। और जब हमारे मेकर्स, हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू किया, तो उनके मन में यंग इंडिया बुक में जो भी लिखा हुआ था वो भी उसकी एक इम्प्रेशन था, और उनको भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया था। कहीं ना कहीं हम इसको बोलते हैं गाइडिंग फिलॉसफी, गाइड करना, गाइडिंग फोर्स भी कह सकते हैं या फिलॉसफी भी कह सकते हैं, कि ये जो बुक है इसने मेकर्स को गाइड किया, गाइडिंग फिलॉसफी, जिससे कि हमारी कंट्री के मेकर्स को काफी हद तक नए लॉज या यंग जनरेशन के लिए लॉज कैसे होने चाहिए उसका एक्सपीरियंस। इसके अलावा सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे ना, ही स्पेंड मेनी इयर्स इन जेल, और वहां पर रहकर उन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इसका सीरियल भी है, बहुत साल पहले DD1 पे ये सीरियल आता था, आजकल तो केबल चैनल्स हैं अलग अलग हैं, लेकिन इससे पहले ये एक सीरियल आता था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी सारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हमें, अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे ना, कोई भी पर्सन इस बुक को पढ़ेगा ना, उसको इंडिया के एंशियंट कल्चर से लेकर मेडिएवल और मेडिएवल से लेकर मॉडर्न इंडिया की सारी हिस्ट्री की नॉलेज जो है वो मिले, ठीक है। और इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महात्मा गांधी जी ने एक वर्ड दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी कंट्री में क्या है, डाइवर्सिटी तो है लेकिन यूनिटी भी है। तो उनमें भी उन्होंने बहुत सी ऐसी इंडिया के बारे में, कि इंडिया कैसा होना चाहिए, नया इंडिया कैसा होगा, बहुत कुछ ऐसे लिखा है। और डिस्कवरी का मतलब होता है कि इंडियंस में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चरका, आर्यभट्टा, पुराने फिलोसफर्स, मेडिसिन, हर्ब्स जिन्होंने बनाई थी, उनके नाम, ताकि वेस्टर्न कल्चर जो यंग जनरेशन है उनको अपने इंडिया के बारे में पता लगे। तो इसको पढ़ के भी मेकर्स ने काफी हद तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग इंडिया कैसा होना चाहिए कुछ लॉज को ऐड किया, ठीक है। सेकंड गाइडिंग फिलॉसफी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। थर्ड, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनकी बुक्स और इनकी आइडियोलॉजी, रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलोंग टू महार कास्ट, लोअर दलित कास्ट कहा जाता था उस टाइम इनको, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड मैनी पीपल ऑफ दलित कम्युनिटी, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट का मतलब क्या है, कि उस टाइम पीरियड में जो लोअर दलित थे उनको मंदिर में नहीं अलाउ करते थे, बट ही स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स कि उनको मंदिर में एंट्री करें जो है दिलाई जाए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। एंड इसके अलावा कि इनइक्वालिटीज को कैसे खत्म किया जाए सोसाइटी में, तो ही रोट मैनी बुक्स, और पर्टिकुलर कोई बुक नहीं बल्कि उनकी आइडियोलॉजीज को ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। तो हम कहते हैं गाइडिंग फिलॉसफी में जब भी नाम आता, अकॉर्डिंग टू योर बुक, 3 names, नंबर 1 महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो लिटरेचर था, बुक्स थी, जो भी उन्होंने पैम्फलेट्स, आर्टिकल, जो भी रिपोर्ट्स लिखी, उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर एक डीप इम्पैक्ट था, ठीक है। एंड हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रेनबो कहा जाता है, रेनबो का मतलब रेनबो के अलग अलग कलर्स होते हैं ना, तो इसमें भी आपकी बुक में ना कितने नेम है आप देखोगे कि जब आपकी बुक है इसमें कितने नेम है, ये सारे कौन थे, मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेकर्स जो इम्पोर्टेंट उस टाइम पीरियड में मेंबर्स थे। सरोजनी नायडू, विमेन को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, मैनी पीपल दे बिलोंग टू मुस्लिम्स आल्सो, मौलाना अब्दुल आजाद, ठीक है, देन पारसी, पारसी कम्युनिटी भी थी, सिख कम्युनिटी से भी थे, गुजराती भी थे, ठीक है। तो हर कम्युनिटी, हर इंडिया के अलग अलग पार्ट, 299 जो मेंबर्स है ना, ये पर्टिकुलर जो है वो इंडिया के हर एरिया को बिलोंग करते थे, स्टेट्स को बिलोंग करते थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वी द पीपल, हम ये कहते हैं कि हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ने नहीं बनाया, लोगों ने मिलकर बनाया है। और ये जो 299 थे, दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन,
व्हाई वी आर फॉलोइंग दिस ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. हम तो 2 साल पुराना फोन भी यूज नहीं करते, है ना. अगर आपको कोई कहे कि हाँ जी ये 2 साल पुराना मॉडल है फोन का, तो आप तो फोन यूज नहीं करोगे, आप तो ओल्ड मॉडल है ना, वो ओल्ड मॉडल होगा आपके लिए ना. तो हाउ वी कैन, हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए मोर देन 70 ईयर्स हो गए, स्टिल वी आर फॉलोइंग. इतने पुराने, सपोज आपको कोई कुछ गाइडलाइंस देता ना, तो आप ये कहते हो ये तो आप तो बहुत पुराने विचारों के हो, आप ऐसे हो, आप हो. लेकिन आप ये देखो कि हम तो इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आज भी फॉलो करें, और आज तक भी हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ. कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं कितनी बार लिखे गए, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट आती थी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता था. जैसे हिटलर का टाइम, हिटलर आया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, हिटलर के बाद नई गवर्नमेंट आई फिर से कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना. लेकिन हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अभी तक जो है वो चेंज नहीं किया गया. पार्ट कैन बी चेंज, पार्ट का मतलब क्या होता है, सम पार्ट सम आर्टिकल्स. जैसे आर्टिकल 370 अब है या नहीं है, 370 कश्मीर वाला आर्टिकल अब नहीं, इसका मतलब चेंज है. इस चेंज को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट. क्या बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट. इसका मतलब है सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर कुछ लॉज की जरूरत होती है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इस अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो इजी नहीं है. ये नहीं कि कोई भी पर्सन कहे कि हाँ जी अमेंडमेंट करनी है तो हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. अमेंडमेंट करने के लिए भी टफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. सो जस्ट अभी पहले इतना याद रखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 70 years ago. Rest I will discuss tomorrow.